वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ में शनिवार की दोपहर पुलिस हिरासत से भागे दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इन दोनों बदमाशों को आज मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में पुलिस कर्मियों को चकमा देकर वे फरार हो गए थे। इन बदमाशों ने जैन शिकंजी के बाईपास स्थित आउटलेन संचालक जगदीश सिंह समेत चार लोगों को अपना निशाना बनाया था। जगदीश सिंह से नकदी व जेवर लूटे थे जिनकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई थी। बदमाशों के नाम नसीमुद्दीन निवासी मिठेपुर थाना गुलावठी व विजय निवासी मुर्गी फार्म जय भीम नगर मेरठ है। शनिवार को ई रिक्शा से एक दरोगा व 3 सिपाही इन्हें लेकर जिला अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में सुलभ शौचालय के इस्तेमाल के दौरान दोनों ही वहां से भाग निकले। शनिवार की देर शाम टीपी नगर व प्रतापपुर की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में शनिवार की रात मौके से एसपी सिटी पीयूष सिंह ने यह जानकारी दी। थाना टीपी नगर क्षेत्र अंतर्गत 3 फरवरी को हाईवे पे 3-4 लूट की घटनाएं कारित की गई थी, जिससे संबंधित 2 अभियुक्तों को थाना टीपी नगर पुलिस और सर्विलांस टीम के द्वारा कल गिरफ्तार किया गया था। आज दोपहर में जब इनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तो इन बदमाशों को इनके साथ ही पुलिस की कस्टडी से छुड़ा ले गए थे। इसके बाद से ही पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में कुल 4 टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार इन बदमाशों की चेकिंग और तलाश कर रही थी। इसी कड़ी में नगर क्षेत्र की अपराध टीम और थाना टीपी नगर पुलिस के द्वारा आरएफ कट के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक दिखने पर जब उसको रोकने का इशारा किया गया तो उस बाइक के द्वारा अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी गई। टॉर्च की रोशनी में इनको पहचाना गया कि ये वही बदमाश है जो आज दोपहर में मेडिकल कराते समय फरार हुए थे। इनके भागने की सूचना आगे प्रतापपुर पुलिस को दी गई, जिस पर इंस्पेक्टर प्रतापपुर के द्वारा जब बैरियर लगा के काशीपुर के आगे चेकिंग की जा रही थी, इनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया और पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए पीएल शर्मा हॉस्पिटल रवाना किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।